उत्तर प्रदेश में 2022 का विधानसभा चुनाव, उससे पहले पंचायती चुनाव और उससे पहले एमएलसी। जाहिर तौर पर अब उत्तर प्रदेश के अंदर जहां पर शिवसेना और आम आदमी पार्टी ने 2022 के विधानसभा चुनाव के लेकर के ताल ठोकनी न सिर्फ शुरू कर दी बल्कि अपनी सियासी जमीन को वापस लाने या नए सिरे से बनाने या मजबूत करने या पाने को लेकर के बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा, आम आदमी पार्टी और शिवसेना हर कोई जद्दोजहद में लगा हुआ है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने आज क्या किया? आम आदमी पार्टी की नगाह अब यूपी पर है और ऐसे में योगी सरकार की व्यवस्था को लेकर, उसके सिस्टम को लेकर के इन तमाम चीजों में वो छेद करना चाहती है ताकि जनता का विश्वास वो जीत सके। आपकी राजनीति में और उसकी रणनीति में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव है और इसलिए उसने 2022 के महाभारत में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए अपने सिपे सलारों को मैदान में उतार दिया। लेकिन वो यूपी आकर किस तरीके की राजनीति कर रहे हैं? चलिए, आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती की ठसक को देखकर समझने का प्रयास करते हैं। सोमनाथ भारती, ये सब करने से कुछ नहीं होगा अतुल, योगी की मौत निश्चित। ये है आम आदमी पार्टी के महाराज। तो उधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को योगी सरकार पर तोहमतें लगाने से फुर्सत नहीं। आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया पर आकर योगी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, दे धनाधन ट्वीट कर रहे हैं, लिख रहे हैं, योगी जी हमारे एमएलए सोमनाथ भारती जी आपका सरकारी स्कूल देखने जा रहे थे, उन पर स्याही फेंकवा दी और फिर उन्हीं ही गिरफ्तार कर लिया। आपके स्कूल इतने ज्यादा खराब है क्या? कोई आपका स्कूल देखने जाए तो आप इतना डर क्यों जाते हो? स्कूल ठीक कीजिए, नहीं करना आता तो मनीष सिसोदिया से पूछ लीजिए। जिन स्कूलों को आपको दिखाने में इतनी शर्म आ रही है उन स्कूलों में यूपी के हमारे बच्चे पढ़ते हैं। योगी जी आप यूपी के करोड़ों बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। ये सब करने से कुछ नहीं होगा अतुल, योगी की मौत निश्चित है। लेकिन केजरीवाल जी जरा आप अपने विधायक सोमनाथ भारती की हनक को भी देख लीजिए। आप यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सीख देने की जद्दोजहद में बिजी हैं, राजधर्म सिखाने का कथित प्रयास कर रहे हैं। पार्टी के जो सोमनाथ जी यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है, यहाँ पे अभी कुछ बीजेपी के लोगों ने वाल हिंदू युवा वाहिनी के लोगों ने काली पोता सामने देख सकते हैं, उनके ऊपर काली पोती गई है और यहाँ पे लोग प्रोग्राम करने आते हैं, कार्यक्रम था दो दिवसीय इनका, उसी कार्यक्रम के दौरान यहाँ पे गेस्ट हाउस में सजाया क्या है और यहाँ पे इनके ऊपर काली पोती का साथ मौजूद है। आखिर जानकर ये किस तरह से विरोध आपके द्वारा आपके ऊपर किया गया? विरोध नहीं है तो गुन्ना कर दी है, चूँकि पुलिस ने बाकायदा मेरा रास्ता रोका, उनको मौका दिया, वो पास में आए, पुलिस के संरक्षण में ये काम हुआ है। मैं जाने को प्रयत्न कर रहा हूँ लेकिन पुलिस जाने नहीं दे रही है। मैं पूछ रहा हूँ भाई किस कानून में रोक रहे हैं, वो कह रहे हैं मेरे सीनियर अधिकारी आ रहे हैं। तो सीनियर अधिकारी ये योगी साहब के गुंडे थे जो आए, इन्होंने शाही पुलिस की मौजूदगी में फेंकी और उन्होंने डराने का काम किया, धमकाने का काम किया कि भाई हम तो मारेंगे। तो अगर ये योगी जी का डेमोक्रेसी का मॉडल ये है तो उत्तर प्रदेश जनता देखेगी कि भाई क्या किन कारणों से वो इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं। ऐसे विरोध से उत्तर प्रदेश जनता को जो हम जगाने का व्रत कर रहे हैं रुकेगा नहीं। क्या कार्यक्रम थे रायबरेली में आपके? रायबरेली में मेरे 6 विधानसभा में 6 मीटिंगें थी, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग थी, जिला पंचायत का चुनाव आने वाला है उसके लिए मीटिंग थी, जनता को अरविंद केजरीवाल का दिल्ली सरकार का जो मॉडल शिक्षा का, स्वास्थ्य का, बिजली का, पानी का, महिला सुरक्षा का जो है उसको हमने जनता के सामने रखना है। योगी साहब को लगता है अगर उनके पास बेटर मॉडल है तो बेटर मॉडल का रखें। इस तरह से भारत संविधान हमें अलाउ करता है कि भाई हम कहीं जाएं अपनी बात को रखें, पुलिस के संरक्षण में गुंडे अगर इस तरह से काम करेंगे तब तो डेमोक्रेसी बहुत खतरे में है। माननीय योगी जी को मैं कहना चाहता हूं, कोई भी व्यक्ति पद पे परमानेंट नहीं आता है, आपको गुड गवर्नेंस के जरिए ही जनता का दिल जीतना होता है, इस तरह से नहीं। हम भी खूब समझते हैं 2022 की उल्टी गिनती आप अभी से गिनने में बिजी हैं, लेकिन आप अपने भी सिपे सालार को जरा सीख देकर यूपी में भेजते, अभी तो आप 2022 में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने, खाता खोलने की रणनीति पर काम कर रहे हैं, लेकिन आपके विधायक तो अभी से
मानकर चल रहे हैं। सत्ता में आपकी ही पार्टी सर्वोपरि होगी, इसलिए बौखलाकर बेलगाम अंदाज में अपनी ताकत की नुमाइश में आपके विधायक सोमनाथ भारती लगे हैं। सत्ता आने से पहले ही इतना नशा, संभालिए जरा कहीं लड़खड़ा कर गिर ना जाए। उस मॉडल को लेकर के हम उत्तर प्रदेश में आए हैं, हम यहाँ के स्कूल को देख रहे हैं, यहाँ के अस्पताल को देख रहे हैं, ऐसी बदतर हालत में है। अस्पतालों के अंदर बच्चे तो पैदा हो रहे हैं लेकिन कुत्ते के बच्चे पैदा हो रहे हैं। यहाँ पे स्कूलों के अंदर ये दिखा नहीं पा रहे हैं, ये पुलिस लगा देते हैं स्कूलों की सुरक्षा के लिए, बच्चियों की सुरक्षा के लिए नहीं इनके पास पुलिस है, लेकिन स्कूलों का कोई पिक्चर ना खींच ले, कोई फोटो ना खींच ले। मुझे घेर लिया, मनीष जी घेर लिया, दिखाइए हम दिखाइए खड़े यहाँ पे थोड़ी देर बाद और आपकी वर्दी उतरवाएंगे हम। ख्याल रखिएगा आप, हम पहचान रहे हैं आपको। जो जो आज बदतमीजी कर रहा है ना मेरे साथ, सबकी वर्दी उतरवाऊंगा मैं। आप हट जाइए यहाँ से, बिल्कुल नहीं हटेंगे। आपको मैं बार बार कह रहा हूँ, हट जाइए यहाँ से, नहीं हटेंगे ना। रास्ता रोकेंगे आप हमारा, अभी बार बार कह रहा हूँ, रुक जाइए ना। किस कानून में लिखा है, किस संविधान में लिखा है, हम कोई आपके अनपढ़ मंत्री हैं यहाँ पे बैठे हुए खड़े हुए हैं। रायबरेली जनपद के सिंचाई विभाग के गेस्ट हाउस में रुके सोमनाथ भारती, जिनके खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करने के संबंध में एक अभियोग जनपद अमेठी में पंजीकृत है। उसी संबंध में जनपद अमेठी की पुलिस रायबरेली पुलिस की सहयोग से उन्हें गिरफ्तार करने गेस्ट हाउस पहुंची, तब सोमनाथ भारती द्वारा गिरफ्तारी करने गई टीम के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग किया गया। शहर कोतवाल रायबरेली की वर्दी उतरवाने की धमकी दी गई, साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश शासन के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया और उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी गई। इस संबंध में थाना कोतवाली रायबरेली में 147, 332, 353, 505-2, 153-A, 504, 506 IPC में मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। अभद्रता में आपके विधायक सोमनाथ भारती ने दो कदम आगे बढ़कर सीएम योगी पर अभद्र टिप्पणी कर दी। ये सब करने से कुछ नहीं होगा अतुल, नहीं बुलाए योगी की मौत सुनिश्चित है, कुछ ना होने वाला। ये सब करने से कुछ नहीं होगा अतुल, नहीं बुलाए योगी की मौत सुनिश्चित है। रायबरेली में इरिगेशन का गेस्ट हाउस है, वहाँ पे माननीय विधायक सोमनाथ भारती जी आए हुए थे। उसके दो दिन दौरे पे हम लोग अमेठी पहले थे, उसके बाद में फिर वहाँ पे रायबरेली हम लोग कल से थे और आज सुबह जब निकलने की तैयारी होने लगी तो तैयारी होने के बाद में वहाँ की पुलिस ने रोका। रोकने के बाद पहले तो ये हो रहा था कि अभी बड़े अधिकारी आएंगे, जो हमारे उच्च अधिकारी आएंगे वो बात करेंगे आपसे, बात तो हुई नहीं किसी से, क्योंकि वो अपनी राजनीति है भाजपा की, भाजपा का काम है सबको रोकना, क्योंकि भाजपा को डर सता रहा है इस बात का कि आम आदमी पार्टी से कितना डर गए हैं कि हर जगह पे हमको रोकने की कोशिश की जा रही है। एक कोई FIR हुई है शायद जगदीशपुर थाने से और माननीय विधायक जी को वहाँ से पुलिस उठा के लाई है, हम लोग उसके पीछे पीछे ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। कई जगह हम लोगों को रोका गया, रोकने के बाद अभी पता लगा है कि जगदीशपुर पहुँच रहे हैं तो हम लोग भी पहुँचे, तो यहाँ पर भी अभी विधायक जी हैं नहीं। और अगर ये नज़रबंद का खेल है या भाजपा सरकार का जो खेल चल रहा है, सीधे सीधे सामने बैठ के बात करें, हर चीज़ का उनको जवाब दिया जाएगा। और जो ये चल रहा है कि पुलिस के इशारे को करके, इस पुलिस को इशारा दे करके, पुलिस को सब आगे करके आप करा रहे हो तो बिल्कुल गलत है। आप संवैधानिक तरीके से आप कराइए, कोई भी चीज़ कराइए, संविधान के दायरे में कराइए। आपकी सरकार असंवैधानिक तरीके से पुलिस को आगे कर देती है, पुलिस को हर एक चीज़ रोकने के लिए मजबूर कर देती है, कोई दूसरा आदमी कर ना पाए। भाई आम आदमी पार्टी इसलिए नहीं डरती है क्योंकि उसके पास में शरीर में फूले फपुन से है नहीं, क्योंकि आप ED भेज दो, CBI भेज दो, ऐसा कुछ है नहीं, तो यहाँ कोई डरने वाला नहीं आपसे, क्योंकि हम लोगों के पास कुछ है नहीं, हम जो है वो आप हैं। देखिए पहले श्रीमान अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता का अपमान किया और अब उन्होंने अपने एक दूत को भेज दिया जिसने
मवालियों वाली भाषा जो बोलना शुरू कर दिया। सोमनाथ भारती ने जो भाषा का प्रयोग किया वह तो कोई अनपढ़ से अनपढ़ और व्यक्ति नहीं बोलेगा जिस तरह की भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया है, और ये बहुत ही निंदनीय है। उनके खिलाफ अभियोग भी दर्ज होना चाहिए और आम आदमी पार्टी को और श्रीमान सोमनाथ भारती को उत्तर प्रदेश के वासियों से माफ़ी मांगनी चाहिए। मैं इसकी बहुत कड़ी भर्त्सना करता हूँ। पता नहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आपके सोमनाथ को किस बात का गुमान है। अभिमान चरम पर है, अहंकार जला रहा है, लेकिन जैसी करनी वैसी भरनी। जो सोमनाथ ने किया उसके लिए भुगतना तो पड़ेगा ही। आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती पर रायबरेली में सीएम योगी पर अभद्र टिप्पणी और शहर कोतवाल को वर्दी उतरवाने की धमकी पर मामला दर्ज हो चुका है। इंतजार कीजिए कार्रवाई का। रोहित मिश्रा, रायबरेली, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश में ठंड का पारा जरूर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन रायबरेली में एक बार फिर राजनीतिक पारा गर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती के रायबरेली दौरे के दौरान उन पर बीजेपी के नेताओं द्वारा स्याही फेंकी गई है, और बताया जा रहा है कि उस सोमनाथ भारती ने अमेठी दौरे के दौरान एक विवादित बयान दिया था, जिससे बीजेपी के नेताओं में खासा रोष देखने को मिला है। फिलहाल अमेठी में उनके द्वारा दिए गए विवादित बयान के तहत सीएमओ ने एक मुकदमा दर्ज कराया है, जिसके तहत रायबरेली में अमेठी की पुलिस ने आकर उनको गिरफ्तार किया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस हिसाब से आम आदमी पार्टी लगातार उत्तर प्रदेश में राजनीतिक पारा गर्म करने का काम कर रही है, आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या हश्र होता है। रोहित मिश्रा, R9 TV, रायबरेली।